नवंबर तक तो कोर्स खत्म हो जाते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में खत्म हो भी गया हो, बट आपको कितना आता है वो आपने देखना है। सो स्टार्ट स्टडिंग नाउ। इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस सपोर्ट फ्रॉम मी, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 17 ईयर्स इन वेरियस पब्लिक स्कूल्स, आई हैव बीन चेकिंग पेपर्स ऑफ CBSE ऑल्सो। सो इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस सपोर्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल किंगडम ऑफ लर्न। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश तो कर ही लेंगे, हो ही जाएगी, दो छोटी छोटी पतली सी बुक्स ही तो हैं, क्या रखा है इंग्लिश में। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, इफ यू आर ऑफ क्लासेस 9th to 12th, यू डेफिनेटली हैव दिस थिंकिंग। बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस व्हाई यू शुड स्टडी इंग्लिश नाउ, मींस ऑलरेडी इट इज टू लेट। All of you have neglected English as a subject, I'm damn sure, because I'm telling this thing from my 17 years of experience as an English teacher. I know that students don't pay attention to English at all, right from the beginning. They leave English for the last moment preparation. They think that only 1 month will be enough, but ऐसा सोचते सोचते वो 1 month में आप कुछ भी नहीं कर पाते, and what is the result? That you don't get very good marks in English and ultimately your aggregate gets very low. So watch this video till last if you want to know why you should start studying English now. So before I start, I want to say one thing. If you are watching this channel for the first time and if you have not subscribed to it yet, do it fast. क्योंकि अब आपको इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली आपको किंगडम ऑफ लर्निंग की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अपलोडिंग मेनी मोर वीडियोस रिलेटेड टू क्लासेस 9th to 12th इंग्लिश। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस, यू कैन चेक देम आउट। बट इस ईयर मीन्स इन 2020 आई थिंक योर प्रेपरेशन ऑफ इंग्लिश विल बी इन अ डिफरेंट मैनर। So let's see how it will be different and why you should start studying English now. The first and the most important reason is that already it is too late. Means if you are thinking English is very easy, you are 100% wrong. English is easy. आपको लगता है ऐसा कि English easy है, उसमें stories होती हैं, poems होती हैं, आपको आती हैं. But अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे CBSE के, तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी आती है। सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं 2020 के, गो एंड डू चेक देम। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस द सैंपल पेपर। सो इफ यू सी द सैंपल पेपर, यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, यू आर नॉट एबल टू आंसर देम। इंग्लिश बहुत इजी है, बट एक्चुअली वो इजी सिर्फ स्टोरी जानने के लिए नहीं होती है, मींस आपको इसके एग्जाम्स देने हैं। तो पहला रीजन ये है कि डोंट टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। अगर आप इंग्लिश को इतना इजी समझते रहेंगे और आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं स्पेशली ऑफ क्लासेस 10th and 12th, दे आर ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। मीन्स ऐसे नहीं होता कि कुछ भी उठाकर दे दिया और आपने इजीली उसको अटेम्प्ट कर लिया। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, बिकॉज आई गो फॉर इवैल्यूएशन, CBSE इवैल्यूएशन आल्सो, सो आई नो कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसपे आपको मार्क्स मिलते हैं, और वहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो है वो अप्रोप्रिएट होते हैं, कि जिन्होंने पढ़ा होता है उन्हीं को ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन ये है कि इंग्लिश इज योर कंपल्सरी सब्जेक्ट। मीन्स इफ यू आर इन 12th क्लास एंड नेक्स्ट ईयर यू आर एस्पायरिंग टू गो टू कॉलेजेस, वहां पर क्या होगा कि आपसे आपके बेस्ट फोर सब्जेक्ट के मार्क्स मांगे जाते हैं हर कोर्स के लिए, बट फॉर ईच एंड एवरी कोर्स इंग्लिश इज कंपल्सरी। तो अगर आप अभी भी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएंगे। जितनी अगर आप टूटी फूटी तैयारी 1 month में करेंगे तो मार्क्स भी उतने ही आएंगे, जितनी तैयारी उतने मार्क्स, राइट? सो आई थिंक यू शुड नो दिस थिंग, यू आर क्वाइट मैच्योर नाउ, कि अगर आप कम टाइम स्पेंड करेंगे किसी भी सब्जेक्ट पे तो आपको ऑब्वियसली उसके मार्क्स बहुत कम ही आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आएगा। आई एम टेलिंग यू,
फ्रॉम सैम्पल पेपर ऑल्सो इट इज ऑब्वियस एंड इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आएंगे एंड इट इज अ लैंग्वेज मोर ओवर लैंग्वेज में आपको फुल मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलते, बहुत रेयर होता है. अगर आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. यू मस्ट हैव सीन, आप पिछले सालों के रिकॉर्ड चेक करके देंगे, जो टॉपर्स होते हैं जिनके 500 में से 499 मार्क्स आते हैं उनका भी 1 मार्क इंग्लिश में डिडक्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज में ऑब्वियसली आप उसको लाइटली लेते हैं, बट आपको उसमें ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड रीजन. अब थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि दिस ईयर सीबीएसई हैज इंक्लूडेड एमसीक्यूज. तो अब आप एमसीक्यूज की बात सुनकर, मीन्स अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप ये सुनकर खुश हो रहे होंगे, बट एक्चुअली में ये खुश होने की बात नहीं है, ये एक टेंशन की बात है. क्योंकि अगर सपोज आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने कुछ भी लिख दिया, देन means if you have written 1-2 key points then also you will get half or 1 mark. But in MCQ if your question is wrong, if your answer is wrong, you are going to lose all the marks. Means 1 whole mark will be lost. So this thing you should know. Another thing is that this year extracts will be asked. Means earlier there were no extracts from the chapters. Ki you knew the story and you could write a long answer in that story. But from this year, there will be extracts from your chapters. Extracts means from inside the chapter, they will pick any 2 lines and then questions will be, so many extracts are there. In my next video, I'm going to share, I'm going to discuss the paper pattern of class 12. So stay tuned for that and do subscribe to the channel because you will need it. And I think you should start studying now. I am there to help you all. You can take full support. So, extracts, if extracts are there, it means you should know the depth of the chapter. आपको वहां पर word meanings भी पता होने चाहिए, आपको उसके literary devices भी पता होने चाहिए. You check the sample paper, there you will see they are asking these things. Earlier these things were not asked. So, this year, rather you need to study harder and more seriously if you want to get good marks in English. So I think these many reasons are enough to motivate you to start studying English now. So open your books. First of all, check out the sample paper and see ki what is your level, what is your preparation. I'm 100% sure you don't know much about those questions of literature, right? So this is high time. It is already late. You just now I think you should start preparing for your board exams. So they may be delayed little bit, but still it is November now. November तक तो कोर्स खत्म हो जाते हैं. हो सकता है आपके स्कूल में खत्म हो भी गया हो, but आपको कितना आता है वो आपने देखना है. So start studying now. If you need any sort of guidance, support from me, because I have been teaching English for last 17 years in various public schools. I have been checking papers of CBSE also. So if you need any sort of guidance, support, you can contact me on my Instagram handle, Kingdom of Learning. There you can send me a DM. I will definitely provide you as much support as possible. So do share this video with others also and subscribe to the channel.